हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो आप सभी देख रहे हैं कॉलेज अपडेट। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि सोल फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन फॉर्म है उनको लेके कुछ स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ आपके क्वेश्चंस थे जिनका जवाब देने की आज मैं कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स से मैंने इंक्लूड कर लिए फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर करना इस वीडियो को अपने ग्रुप्स पे, टेलीग्राम पे, जहाँ मर्जी आपका मन हो वहाँ आप शेयर कर सकते हो। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आया, क्या एडमिशन शुरू हो चुके हैं? तो मेरा जवाब है यस, आपके एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक आपके डैशबोर्ड के बॉटम पे शो कर रहा होगा, लिंक पे जाके आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑलरेडी हम वीडियो बना के पोस्ट कर चुके हैं, प्लस हम सेपरेट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सभी अपने कोर्स वाइज उन वीडियोस को फॉलो करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा सवाल, सर एडमिशन की फ़ीस कितनी है? तो आपकी जो एडमिशन की फ़ीस तकरीबन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 3,000 से लेके 5,000 के बीच में, मतलब 3,500 भी है किसी की, 3,600 भी है किसी की, 3,800 भी है किसी की, 4,000 भी जा रही है। तो 5,000 से नीचे आपकी फ़ीस है, 3,000 से लेके 5,000 के बीच में आपकी फ़ीस रहने वाली है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप फिल करते हो, मान लीजिए अगर आपका किसी में ER आ रहा है या किसी में अगर एब्सेंट आपका है, तो आप उस कंडीशन में उसको अगर टिक करोगे इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसकी 400 रुपये अलग से फीस आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं, सर मैंने एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? तो एडमिशन की जो लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक्चुअली अभी एडमिशन स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दूं, ये एडमिशन आपके एक महीने तक तो चलने ही वाले हैं, मतलब ये पूरे महीने आपके एडमिशन रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कल शुरू हुए और कल ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो कल कभी आता नहीं है, तो ये एडमिशन इस पूरे महीने चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप नहीं फिल करोगे तो कल आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी आपके पास पूरा अभी मौका है आपके, मतलब ये मान के चलिए 10 से 15 दिन के पास आपके पास मौका तो है ही बिल्कुल। ठीक है, 15 दिन आप नोट करके रख लीजिए, अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे तथ्य ये है कि अभी थर्ड सेमेस्टर की भी एडमिशन शुरू होने हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट के मन में आता है, सर मान लीजिए हम जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो एडमिशन फॉर्म फिल करते समय प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें ER का जो फॉर्म है शो नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर किस सब्जेक्ट में अगर आपका ER था, तो वो ER फॉर्म आपका शो नहीं हो रहा है ऐसी कंडीशन में, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर ER का फॉर्म आपके डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ER थी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2019 से लेकर 21 तक एडमिशन लिया है, यानी CBCS वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आपका ER का फॉर्म शो नहीं कर रहा है आपके डैशबोर्ड पर, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक हफ्ते तक वेट करना है, क्योंकि टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है कि फॉर्म शो ना कर रहा हो। अगर एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर फॉर्म शो नहीं करता ER का, जो भी एग्ज़ाम आपको दोबारा देना है, तो ऐसी कंडीशन में आप नॉर्थ कैंपस विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो वेट कर लीजिए, अभी जस्ट फॉर्म आया, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिमांड का क्वेश्चन था, सर मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, जैसे मैंने फोर्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया, थर्ड सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया, मेरा बैक था, मेरी एफ आ रखी थी, मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, मेरा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया, बट जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो वो रीवैल्यूएशन का मैं क्या करूँ, उस फॉर्म उस सब्जेक्ट को मैं फिल करूँ साथ में या ना करूँ, क्योंकि मेरा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट पेंडिंग है। तो मैं आपसे इसे बोलना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप उस फॉर्म को टिक कर दीजिए, सिंपल बता रहा हूँ, आप फॉर्म को टिक करके अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन की रिजल्ट की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं होती, मैक्सिमम 3 से 4 मंथ लगते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो चुका है, और सेकंड लिस्ट हो सकता है इस महीने में ही देखने को मिल जाए, और डिले भी हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क मत लो। अगर आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उन सब्जेक्ट को भी ज़रूर टिक कर लो जिनमें आपकी बैक आ रखी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं है, जिसमें आपकी एब्सेंट थी। अगर बाई चांस एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आप रिजल्ट चेक करते हो अपना, अगर वो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाता है और उसमें अगर आप पास हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसमें आपने टिक लगाया था ER के लिए, वो एग्ज़ाम आपको देना नहीं पड़ेगा, उसको आप स्किप कर देना है, नॉर्थ कैंपस जाकर उसको कटवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिलहाल के लिए बैकअप लेके चलो, मैं कह रहा हूँ बैकअप लेके चलो, ऐसा भी नहीं हो कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाए उसमें आप फेल हो जाओ दोबारा से, और यहाँ भी आपने फॉर्म ना भरा हो, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्योरी और आ रही थी स्टूडेंट की, सर मान के चलिए जैसे कि हमारा AB और एब्सेंट का प्रॉब्लम है किसी सेमेस्टर में, हमारा फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, और हमने अटेंडेंस शीट सबमिट करा रखी है और अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ है,
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, उस फॉर्म को जो सब्जेक्ट जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को टिक करें जिसमें ये भी एब्सेंट था, या उसे ना करें। तो मैं कहूँगा उसको भी आप फिल कर दो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उसको भी टिक करके आप फॉर्म फिल करो अपना फिफ्थ सेमेस्टर का। सिंपल सी कहानी है, क्यों रिस्क मत लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर अपडेट हो जाएगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक तो एग्ज़ाम मत देना, अगर नहीं होता तो एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, इसलिए दोनों चीज़ करके चलो, बैकअप लेके चलो। यही मैं ए बी आर ए के लिए कह रहा हूँ और रीवैल्यूएशन वालों के लिए मैं ये कह रहा हूँ। तो ये क्योरी हो गई। अब एक क्योरी और है कि सर मान के चलिए मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद मेरे डैशबोर्ड पे ना तो फी रिसीट शो हो रहा, ना कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा जिससे मुझे पता चले कि मेरा एडमिशन हो चुका है, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँ। आप सुनिए जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपके डैशबोर्ड पे फी रिसीट शो नहीं हो रहा है और दोबारा पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड पेमेंट ना करें, थोड़ा सा वेट करें, एक हफ्ते के अंदर आपका जो फी रिसीट है वो जनरेट हो जाएगा आपके डैशबोर्ड के अंदर। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि वो डैशबोर्ड पे ना आए, आपके डैशबोर्ड पे जनरेट हो जाएगी फी रिसीट, दोबारा पेमेंट ना करो। जितनी बार पेमेंट करोगे पेमेंट कटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड टाइम करोगे, थर्ड बार करोगे कटता रहेगा, पर ये रिफंड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए दो कंडीशन होती है एसओएल की, जैसे मान लीजिए आपने अभी पेमेंट किया, पेमेंट गया बट वहाँ से फी रिसीट आपको नहीं मिली, बट आपके अकाउंट से पेमेंट कट चुका है, तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि या तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा या आपको फ्री रिसीट मिल जाएगी। अगर रिफंड हो जाएगा तो 2 से 3 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा रिफंड का, इसी कंडीशन में फिर आप सेकंड पेमेंट कर सकते हो। अगर मैसेज नहीं आता रिफंड का तो ऐसी कंडीशन में आपका एडमिशन हो चुका है, आपको फ्री रिसीट मिल जाएगी, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, पोर्टल पर एरर की वजह से होता रहता है, ठीक है। अब एक जेन्युइन क्वेरी ये आ रही है, सर मेरे पोर्टल पर फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं कर रहा है, जबकि एक प्रमोशन नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें बोला गया था कि अगर आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में या तो फेल हो जाते हो या तो उन्हें स्किप भी करते हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोशन मिलेगा। देखिए वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, यस नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय का आ रखा है, हमने डिस्कस भी कर रखा है और वो नोटिफिकेशन आज मैं शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हो ये रहा है जब आप एडमिशन फॉर्म वो स्टूडेंट फिल कर रहे हैं जो किसी सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, मान लीजिए आप फोर्थ सेमेस्टर फेल्ड हो चुके हो, फेल लिखा आ रहा है मार्कशीट में, उन स्टूडेंट का फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं कर रहा है, जबकि CBCS मोड के ऊपर 50% पास आउट होने का कोई भी ऐसा रूल इंक्लूड नहीं होता उन स्टूडेंट के। तो ये एक टेक्निकल एरर है, आप एक काम कीजिए अभी फॉर्म मत भरिए, जिनका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिनके में भी फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं जबकि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप अभी फॉर्म फिल ना करें, एक हफ्ते का वेट करें, एक से दस दिन का वेट करें, 10 दिन के बाद भी अगर फॉर्म शो नहीं होता है नॉर्थ कैंपस जाकर आप उनको बोलिए सर नोटिस आया हुआ था, नोटिफिकेशन आया हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑफिसर, उनको दिखाइए, उनको बोलिए सर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, चाहे हम उस एग्ज़ाम को दे या उसमें फेल हो जाए। तो ये कोई टेक्निकल एरर है या कोई मिस्टेक हो सकती है एसओएल की तरफ से जो कि फॉर्म में आपके शो नहीं कर रहा, कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी वेट कर लीजिए। अभी ना भरे वो स्टूडेंट जिनका फिफ्थ सेमेस्टर के या तो सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे या फॉर्म शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और बाकी एक चीज़ और, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, फीस मैंने बता दी है, लास्ट डेट जब भी अनाउंस होगी मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं यही मान के चलो आप कि 15 से 20 दिन आपके पास है और जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल कर दो परसों कर दो, एक हफ्ते के अंदर कर देना, बस लास्ट डेट की वेट मत करो, ठीक है। और रही बात स्टडी मटेरियल की, अपडेट मैं जल्दी आपको दूंगा, छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिनका भी ईआर का एग्जाम का फॉर्म अभी शो नहीं कर रहा है थोड़े दिन का वेट करें, एक हफ्ते के अंदर शो होने लगेगा। थैंक यू सो मच।